Hello student, I hope every one of you are doing good. Last time we have done two chapter, that is from history one chapter and from geography one chapter. History we have done Ashoka the Great, who gave up the war, and from geography we have done longitude, latitude, globe. Now today we will do history chapter number 11. Okay, chapter number 11, conquerors from distant land and spread of Buddhism in Central Asia. In this chapter, we are going to learn about kings. Okay, kings, we are going to learn about kings, how the Buddhism spread in Central Asia. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंग्स के बारे में, हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है ना, कौन सा किंग, द वर्क ऑफ द किंग्स एंड द इंडो ग्रीक साकास एंड खुशानास. ओके, ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट मौर्यन पीरियड. दिस इज ए 200 BC to 300 AD. In this period, what happened? There was a rise of many states over the world. Most of these states were small and ruled by the kings. Okay, most of these states in this period, most of these states were ruled by the king, but kings were very weak. Weak kings ruled by this state. Now, the foreigners' power, particularly the Indo-Greek, the Sakas and Kusana, took full advantage of this and set themselves firmly on the Indian soil. Now, all the kings were very weak, है ना? All kings were weak king. Okay, सारा king जो जितना भी rule कर रहा था post Mauryan period में, वो सारा बहुत ही weak था. Because they were weak, है ना? ये Indian king लोग weak था. Because of that, the Indo-Greek and Sakas and Kusanas, ठीक है, Indo-Greek लोग जो आके क्या कर दिया, Indo-Greek लोग आके सारा इंडिया का लैंड में वो लोग एडवांटेज लेके वो लोग कैप्चर कर दिया, ठीक है. दीज किंग्स आर ऑल्सो द डिफरेंट पिलग्रिमेज ट्रेवल एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन एस्टेब्लिश डी पोलिटिकल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड. All the kings, Sakas, Kusanas and Indo-Greek people, they were occupying the Indian land and they were belongs to, they have good relationship between the other land, ठीक है, बहुत दूर दूर से वो लोगों का रिश्ता था, इसीलिए वो लोग बहुत ही clever थे, इसीलिए वो लोग weak king से वो लोग advantage लेने लगा. Now we will see the work of the king, ठीक है, works, है ना, किंग का क्या क्या वर्क्स था, किंग का वर्क्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे. व्हाट इज द वर्क ऑफ द किंग. नाउ मेनी किंग्स एंड रूलर पर्टिकुलरली ऑफ द इंडो ग्रीक द साकास एंड द कुसानास प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग कल्चर बिटवीन इंडिया एंड मेनी डिस्टेंट लैंड. मैंने बताया कि किंग लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है कि वो लोगों का इंडिया का रिलेशनशिप दूसरा लोगों से, दूसरा स्टेट सॉरी दूसरा कंट्री से करने के लिए. बिकॉज पहले जो हमारा भारत में बिफोर क्या होता था, ट्रेडिंग होता था. ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, बहुत दूर दूर है ना, डिस्टेंट लेन से हमारा ट्रेडिंग होता था. तो इसीलिए क्या होता था, क्योंकि हमारा साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होता था, बहुत सारा स्पाइसेस मसाला का बिजनेस होता था, ठीक है, ट्रेडिंग होता था. इसलिए किंग जो क्या करता था कि वो अपना बिजनेस दूसरा वर्ल्ड से, है ना, दूसरा कंट्री से अपना रिश्ता मजबूत रखने के लिए किंग का बहुत ही बड़ा रोल है. अब हम देखेंगे कि इंडो ग्रीक पीपल, है ना, इंडो ग्रीक पीपल वो लोग कैसे हमारा भारत में आया. द इंडो ग्रीक, they were the descendant of the greek who ruled over Bactria and the modern abhi jo hai wo indo greek log jo hai
विक्टोरिया बोल के एक जगह है, अभी मॉडर्न उसको पर्सिया बोलता है, ठीक है। वहां पे इंडो ग्रीक का एक रूलर था, उसका नाम था मिरंडा, ठीक है। उसका नाम था मिरंडा, रूल फॉर 25 ईयर्स, है ना। इंडो ग्रीक जो है भारत में आके 25 ईयर्स रूल किया, उसका राव है मिनंडा। और उसको जो है बुद्धिस्ट एक मॉन्क था नागासीना, ठीक है, नागासीना बोल के एक नाम है। उसने क्या किया है, मिनंडा को क्या किया है, बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ही वाज आल्सो कॉल्ड एज ए वेरी पावरफुल रूलर इन दैट टाइम, है ना। उस टाइम में उसको बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता था। और मौर्यन अम्पायर डिक्लाइन होने के बाद में मिनंडा ने क्या किया है, पंजाब और सिंध एरिया को अपना कैप्चर में ले लिया। और मिनंडा को और बोला जाता है, ही वाज आल्सो नोन एज मिनंड इन दी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, ठीक है। उसको बुद्धिस्ट बना दिया था, ही वाज ए फॉलोवर ऑफ बुद्धा। एंड उसको जो जब हम बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे, मिनंडा के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको मिलन भी कहा गया है। नाउ इंडो ग्रीक पीपल आके, इंडो ग्रीक पीपल दे केम टू इंडिया एंड दे ऑक्यूपाइड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक पंजाब एंड सिंध एरियाज। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, दिस इंडो ग्रीक जो है, दिस इन्फ्लुएंस द इंडियन सम इंडियन थिंग, ओके। इंडियन पीपल जो क्या है, ग्रीक से ज्यादातर इन्फ्लुएंस होने लगा। फॉर व्हेन वी सी द आर्कोलॉजिकल एविडेंस, वी फाइंड लाइक कॉइन्स, है ना, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट एंड स्क्रिप्चर, मेडिसिन, ठीक है। अब जब हम इसको देखेंगे, कॉइन्स को देखेंगे, द पीपल हु लिव्स इन ग्रीक, है ना, जो ग्रीक में रहते थे, ग्रीक जो किंग्स थे, When we see the coins, है ना, जब हम वो लोगों का coins को देखते हैं, तो coins में क्या होता था कि एक king का photo होता था, ठीक है, king का photo लगाता था। तब हमें पता चलता है कि उस era में, है ना, उस period में ये king rule करता था। For example, when Alexander the Great he was ruling, for example, तो क्या होता था, उस coin में उस king का नाम photo होता था। उसी प्रकार से इंडिया भी क्या हो गया, इंडिया भी वो ग्रीक से इन्फ्लुएंस होके व्हेन किंग्स वर रूलिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मौर्यन किंग वर रूलिंग दैट टाइम क्या होता था, एक मौर्य किंग का कॉइन्स में फोटो होता था। तो ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी, है ना, साइंटिफिक भी वो लोग ज्यादातर बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ ग्रीक से साइंटिफिकली। इंडिया जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, वो लोग वहां से कुछ कुछ नॉलेज लेने लगे आर्ट में भी, ठीक है, कुछ कुछ बनाना हो या फिर कुछ बिल्ड करना हो, जिससे हम लोग स्टेचू बनाना हो, उसमें भी इन्फ्लुएंस होने लगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, वो लोगों का मेडिसिन से भी इंडो ग्रीक लोगों से इंडिया जो क्या होने लगा, इन्फ्लुएंस होने लगा। तो ग्रीक इन्फ्लुएंस, ग्रीक इंडो ग्रीक में जो लोग रहते थे उस समय को, तो क्या होता था, इंडिया जो है ग्रीक लोगों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते थे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित, वो लोगों का हर चीज अडॉप्ट करना, ठीक है, वो लोगों का हर चीज को सीखना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साकास। साकास के बारे में बताया था, ये भी रूल करते थे विथ इंडो ग्रीक एंड कुसानास एंड साकास। तो सबसे पहले हम साकास के बारे में देखेंगे। साकास जो है वो क्या है, चाइनीज, है ना, चाइनीज डिसेंडेंट से आता है एंड दे सेटल इन चाइना। आफ्टर दैट क्या हो गया, फिर वो लोग अफगानिस्तान में आए। अफगानिस्तान में आने के बाद में कुछ लोगों के साथ फाइट करने के बाद में दे केम टू इंडिया एंड दे सेटल इन इंडिया। नाउ दे वेर ऑल्सो कॉल्ड ए यूच्यू डिसेंडेंट, है ना, दे केम फ्रॉम द यूच्यू ट्राइब, ठीक है। चाइना जो है, चाइना का जो यूच्यू ट्राइब से ये लोग आते है साखास लोग, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए इंडियन सिटीजन, ठीक है। इंडिया में वो लोग रूल करता था, दे वर जस्ट रूलिंग द इंडिया। नाउ साकास रूलर कॉल देमसेल्फ, ये अपने आप को क्या बुलाते थे, सत्राप्स, ठीक है। दे कॉल देमसेल्फ ए सत्राज एंड दे एस्टेब्लिश मेनी किंग
किंगडम्स है ना, वो लोग जब इंडिया में रूल कर रहे थे उस समय को, वो लोगों ने बहुत सारा किंगडम्स बनाया, लाइक तक्षशिला, मथुरे, नासिक एंड उज्जैन. ठीक है, उज्जैन में बहुत सारा वो लोगों ने किंगडम्स बनाया, किंग रूल किया. उसके बाद में जो इस साकास लोगों ने अपना एक कैलेंडर भी बनाया है, दे हैव मेड द कैलेंडर्स ऑफ साकास. ठीक है, और उज्जैन में इट इज 78 years बिहाइंड द क्रिश्चियन ईरा. ठीक है, बिफोर क्राइस्ट से 78 years बिहाइंड का ये सारा बात है. तो साकास जो है टेक्सस में था, उसके बाद में मथुरे और उज्जैन में था. वेन उज्जैन में जब रूल करते समय में, द पावरफुल साकास को माना जाता है रुद्रमान. ठीक है, रुद्रमान वाज द पावरफुल साकास किंग हु रूल्ड ओवर द उज्जैन. उज्जैन में उसने रूल किया था.